विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 5 पुलिस स्टेशन के सीनियर CI शेखर भालेराव, API नीलेश सालुंके, PI बीले साहब और इनकी टीम का बेहतरीन कारनामा। गेट नंबर 5 पुलिस ने एक बदनाम जमाना ड्रग पेडलर गैंग का किया पर्दाफाश और एक खातून मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार। खातून जो के बजरिए ऑटो थैले में गांजा लेकर सवार थी। पुलिस ने एक जराए से मिली मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करते हुए मारवे रोड के करीब से खातून को कर लिया गिरफ्तार और इसके कब्जे से 20 किलोग्राम गांजे को जब्त कर लिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि खातून का शौहर भी इस गैंग का हिस्सा है, लेकिन अभी भी मुलजिम खातून का शौहर पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताया जा रहा है। इसकी तलाश के लिए खसूसी टीम्स भी तश्कील दी जा चुकी है। खातून ने तफ्तीश में इंकशाफ किया कि इन लोगों ने ज़रूरतमंद कस्टमर्स तक, नशे के आदि अफराद तक ऊंचे दामों में गांजा फरोख्त करते हुए जल्द और आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए इस तरह का गैर कानूनी तरीक़ा अपनाया। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। मीडिया से बात करते हुए API नीलेश सालुंके ने क्या कहा, पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन TV न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हुए मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 5 पुलिस स्टेशन। यहाँ कई कारोबारी जो नशे का कारोबार करते हैं, उनमें से एक लेडीज़ को पकड़ा गया मारवे रोड से जन कल्याण के अंदर, जहाँ कमल तालाब बताया जाता है। नीलेश सोलंकी API और सीनियर शेखर भाले राव साहब, तमाम टीम ने काम किया मिलकर और यहाँ उसको अरेस्ट किया। वो लेडीज़ थी, पता ये चलता है कि वो उसका जो हस्बैंड है वो भी ये धंधा करता था, दोनों साथ साथ करते थे। लेकिन लेडीज़ अभी फरार है, लेडीज़ अभी पकड़ी गई है, जेंट्स फरार है और जो जेंट्स है वो उसका ही पति है। दोस्तों, इस तरीके से कारोबारियों में मालोनी के अंदर एक दहशत भी देखी जा रही है, खौफ का माहौल भी देखा जा रहा है। नशे के कारोबारी लोग जो है वो जो है घबराए हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी पुलिस ऐसे ही काम करते रही तो बहुत जल्द ये नशे के कारोबारी जो है नशा मुक्त हो जाएगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा मालोनी चौकी के अंदर एक बड़ी लीड की है कि गांजे का लीड पकड़ा है, तो कितने आरोपी और कितने का गांजा पकड़ा है इसके द्वारा? 24 अप्रैल 2023 से हमारे CP साहब और जॉइंट CP लैंडो साहब, इन्होंने नशे के कारोबार जो करने वाले हैं इनके खिलाफ एक विशेष मुहिम अभियान हमें ये किया था। तो उस अभियान के अंदर हम 26 दिनों में मालोनी पुलिस स्टेशन में कुल 19 केस दाखिल किए हैं, जो नशे का बेचने का काम करते हैं। और ये मेरे हिसाब से मालोनी से अपने मुंबई में सबसे ज़्यादा मालोनी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की है। तो इस 19 केस में हमने अभी तक 20 बेचने वाले आरोपियों को, जो मालोनी में सप्लाई करने आए थे नशे का, कोई गांजा आया था, कोई चरस MD ऐसा कुछ अलग अलग हिसाब से, तो उनको पकड़ा गया है। इसमें एक पहले कार्रवाई हुई थी जिसमें 4 किलो गांजा, 2 आरोपी, बड़ा कार्रवाई जो था। तो आज का जो केस है वो कमर्शियल क्वांटिटी है, 20 किलो के आगे जो होता है कमर्शियल क्वांटिटी, उसमें पकड़ा गया था। तो लगभग इसका प्राइस कितना है मार्केट में सर? 6,06,300 रुपये। और ये आरोपी पेशेवर मुजरिम है, उनके ऊपर कितने आरोप है? ये जो आरोपी है वो लेडीज़ है, लेडीज़ है, इनके ऊपर ये पहला गुना है। लेकिन इनके जो हस्बैंड है, इनके ऊपर नायगांव में 10 किलो वो गांजा उधर बेचने गए थे, तो उनको पकड़ा था। इनके गांव का एक शंकर अंबादास शिंदे है, जिसको मालवनी में ही 56 ग्राम में अरेस्ट किया था। और इनके गांव का और एक है जो अभी नासिक में 65 किलो गांजे के साथ बस में मिला था, उनको पकड़ा गया है। इसको मालोनी में आप कहां से पकड़ा है आपने? ये जो हम ये विशेष मुहिम के अंतर्गत जो हमें सीनियर साहब ACP साहब DCP साहब ने आदेश दिए थे, उसके अनुसार हम पेट्रोलिंग के लिए कल रात को निकले थे। तो हमें जो खरौड़ी का चढ़ान है वहाँ जाते वक्त हमें ये खबर मिले कि रिक्शा नंबर था एक मिला था 7089, वो रिक्शा में ये लेडीज़ है और वो अपने साथ गांजा रखे हुए है। हमें जैसे ही खबर मिला तो हम ये एक नंबर से लेके कमल तराव तक हमारे पूरा टीम
जगह जगह पे खड़ा कर दिया अगर ये रिक्शा कहीं दिखता है तो हमारे जो विला सावड़ जी है उन्होंने वो रिक्शा एक नंबर वो उधर देख लिया। जैसे उन्होंने देख लिया तो हमें कांटेक्ट किया। हमें कांटेक्ट करने के बाद वो रिक्शा हम वो राधा कृष्ण के वहाँ से गली से अंदर जा रही थी तो हमारे हवलदार राठौड़ सचिन वड़कर इन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया। वो गाड़ी को हमने फिर अमर शिंदे साहब वो बीट पे उस दिन थे APSI तो वो गाड़ी को हमने जन कल्याण चौकी के आगे ऐसा पकड़ लिया चारों बाजू से। हमारे साथ लेडीज़ पुलिस भी थी तो जैसे पकड़ा तो फिर दोनों बाजू से उसमें ये किया और फिर हमारे बिले साहब PI साहब उनको बुलाया। ये कार्रवाई के अंतर्गत PI को होना ज़रूरी होता है, पातली मैडम जी PSI होना ज़रूरी होता है। पंच को बुला के उनकी जब झड़ती ली क्वांटिटी है 20 किलो के आगे जो होता है कमर्शियल क्वांटिटी उसमें पकड़ा गया था। तो लगभग इसका प्राइस कितना है मार्केट में सर? 6,06,300 रुपये। और ये आरोपी पेशेवर मुजरिम है, उनके ऊपर कितने आरोप हैं? ये जो आरोपी है वो लेडीज़ है, लेडीज़ है, इनके ऊपर ये पहला गुना है। लेकिन इनके जो हस्बैंड है इनके ऊपर नायगांव में 10 किलो वो गांजा उधर बेचने गए थे तो उनको पकड़ा था। इनके गांव का एक शंकर अंबादास शिंदे है जिसको मालवनी में ही 56 ग्राम में अरेस्ट किया था। और इनके गांव का और एक है जो अभी नासिक में 65 किलो गांजे के साथ बस में मिला था उनको पकड़ा गया है। इसको मालवनी में आप कहां से पकड़ा है आपने? ये जो हम ये विशेष मुहिम के अंतर्गत जो हमें सीनियर साहब ACP साहब डीसी साहब ने आदेश दिए थे उसके अनुसार हम पेट्रोलिंग के लिए कल रात को निकले थे। तो हमें जो खरौड़ी का चढ़ान है वहाँ जाते वक्त हमें ये खबर मिले कि रिक्शा नंबर था एक मिला था 7089 वो रिक्शा में लेडीज़ है और वो अपने साथ गांजा रखे हुए है। हमें जैसे ही खबर मिला तो हम ये एक नंबर से लेके कमल तराव तक हमारे पूरा टीम जगह जगह पे खड़ा कर दिया अगर ये रिक्शा कहीं दिखता है तो हमारे जो विला सावड़ जी है उन्होंने वो रिक्शा एक नंबर वो उधर देख लिया। जैसे उन्होंने देख लिया तो हमें कांटेक्ट किया। हमें कांटेक्ट करने के बाद वो रिक्शा हम वो राधा कृष्ण के वहाँ से गली से अंदर जा रही थी तो हमारे हवलदार राठौड़ सचिन वड़कर इन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया। वो गाड़ी को हमने फिर अमर शिंदे साहब वो बीट पे उस दिन थे APSI तो वो गाड़ी को हमने जन कल्याण चौकी के आगे ऐसा पकड़ लिया चारों बाजू से। हमारे साथ लेडीज़ पुलिस भी थी तो जैसे पकड़ा तो फिर दोनों बाजू से उसमें ये किया और फिर हमारे बिले साहब PI साहब उनको बुलाया। ये कार्रवाई के अंतर्गत PI को होना ज़रूरी होता है, पातली मैडम जी PSI होना ज़रूरी होता है। पंच को बुला के उनकी जब झड़ती ली तो झड़ती में 20 किलो 210 ग्राम गांजा मिला जिसकी कीमत 6,06,300 रुपये। ये मालवनी के अलावा किधर सप्लाई करने के लिए लाए थे गांजा? ये मालवनी के अलावा मतलब मालवनी में और कांदिवली ऐसा इनका मैं मतलब जो पूछा है वो बता रहे थे, वो सब बोल रहे थे कि हम ये एरिया में करते हैं और नायगांव में भी करते हैं। बाकी के आरोपी कभी तक अरेस्ट हुए? बाकी के आरोपी अभी ये जो लेडीज़ है ये नायगांव से है, नायगांव से यहाँ देने आती है। इसका मूल गांव है उस्मानाबाद, इसके पति का भी हमने ये किया है तो वो भी उधर ही है। नायगांव में भाड़े के रूम से रहती है या खुद का उसका रूम है? जी भाड़े के रूम से रहती है जी। और इसके साथ कुल कितने लोग हो सकते हैं, क्या अंदाज़ा है आपको? अभी हमें तो इसके पति का, इसके जो दूसरे शंकर शिंदे हैं उनका 3-4 जन को तो हमको रिकॉर्ड मिल चुका है, इस हिसाब से हम छानबीन कर रहे हैं। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर।